वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने क्लास फर्स्ट सब्जेक्ट ईवीएस का चैप्टर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट लेकर आई हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों को सबसे पहले मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में बताएं कि मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट होता क्या है। यातायात के साधन जिनकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं, उन्हें हम मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। People move from one place to another by roads, railways and vehicles are known as means of transport. अब बात आती है means of transport होते कौन कौन से हैं। There are three types, land, water, air. सबसे पहले आता है land transport. The means of transport which move on the land are called land transport. जितने भी transport जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर किस पे मूव करते हैं, लैंड पर मूव करते हैं, जमीन पर मूव करते हैं, उन्हें हम लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल बुलक कार्ट्स, कार्स, बसेस, बाइसिकल्स एंड रिक्शास। तो ये सारे जो हैं इनके एग्जांपल हैं। तो बच्चों को इस तरह से एग्जांपल देकर आप समझा सकते हैं। उसके बाद आता है इन डेजर्ट कैमल्स आर यूज्ड फॉर एज अ मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। कैमल इज कॉल्ड एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, बच्चों को जरूर बताएं कि कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि डेजर्ट में कैमल को ही एक जगह से दूसरी जगह पर सामान पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है। और ये इसलिए एज अ मींस ट्रांसपोर्ट, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है। उसके बाद आता है वाटर ट्रांसपोर्ट। द मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट विच मूव ऑन वाटर आर कॉल्ड वाटर ट्रांसपोर्ट। ऐसे ट्रांसपोर्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या ऐसे व्हीकल्स जो पानी पर चलते हैं, फॉर एग्जाम्पल शिप, बोट्स एंड स्टीमर्स। नेक्स्ट आता है एयर ट्रांसपोर्ट। ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच मूव अप इन एयर आर कॉल्ड एयर ट्रांसपोर्ट। जो हवा में मूव करते हैं उन्हें हम एयर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, फॉर एग्जाम्पल एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर। और इसके अलावा एरोप्लेन कौन उड़ाता है, कौन फ्लाई करता है, पायलट। आई होप आपको चैप्टर में सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। बच्चों को ये सारे पॉइंट्स आप क्लियर करके बताइएगा। सबसे पहले आता है टिक द करेक्ट ऑप्शन। विच वन ऑफ दीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट, बोट और बस। लैंड ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल बस। Who flies an aeroplane? Pilot. Which one of these is an example of water transport? Steamer or car? Steamer. Next आता है fill in the blanks. Dash is called as the ship of the desert. अभी बताया था मैंने camel. A dash flies an aeroplane. Pilot. People move from one dash to another. One place to another. Dash transport is the fastest means of transportation. कौन सा होता है सबसे fastest? Air. Next आता है circle the correct transportation. यहाँ पर क्या करना है, जो सबसे correct होगा। यहाँ पे मैंने एक पिक्चर ड्रॉ कर दी है, पिक्चर्स के साथ साथ मैंने उसके मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट भी डाल दिए हैं। तो आप इस तरीके से बच्चों को करा सकते हैं। तो कार है सबसे पहले पिक्चर, तो कार का मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या होगा, लैंड, वाटर, एयर, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है और उसको सर्कल करना है। तो इसका होगा लैंड। नेक्स्ट आता है एरोप्लेन। एरोप्लेन कहाँ पे फ्लाई करता है, एयर, वाटर या लैंड? एयर। उसके बाद है शिप, ये शिप की फोटो बनाई है। उसके बाद यहाँ पे वाटर, एयर या लैंड? वाटर। तो बच्चों को इस तरह से पिक्चर्स बनाकर और साइड में मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के नाम लिखकर आप करा सकते हैं प्रैक्टिस। उसके बाद आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। राइट टू नेम्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं, कार, बसेस। Which is the cheapest means of transport?
सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है? वाटर, वाटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है, नेम द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट। नेम एनी टू लैंड ट्रांसपोर्ट हैविंग फोर व्हील्स। ऐसे टू लैंड ट्रांसपोर्ट बताने जिनके फोर व्हील्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं? कार, बसेस। नेम एनी टू वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट कौन कौन से होते हैं? शिप्स, स्टीमर्स। तो बच्चों को इस तरीके से आप क्वेश्चन आंसर्स करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरी वर्कशीट को की मदद से पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करा देंगे, और बच्चों को अगर आप समझाने के बाद फिर उससे मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स और इस तरह की एक्टिविटी कराएंगे तो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।